हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुरुआत करते हैं सीधे कुरुक्षेत्र की। मेहमान आपके सामने हैं संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है आपका डॉक्टर पात्रा। और राधिका खेड़ा जी हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, स्वागत है राधिका जी। मैंने कहीं गलती से कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोल दिया संबित पात्रा जी के लिए? अगर नहीं तो ठीक है। नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी जी, ठीक है। अच्छा, मैं आप दोनों का और दर्शकों का एक मिनट का समय और लेना चाहता हूं बस। आज मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, उन्होंने आज एक बयान दिया है जिस पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, उनका विरोध किया जा रहा है और उनको जवाब भी दिया गया है। तो मैं बस एक मिनट के अंदर ये दोनों बयान आपको सुनाना चाहता हूं। पहले कमलनाथ जी ने क्या कहा है वो सुनिए। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। अब भारत प्रसिद्ध हो रहा है ब्लैक फंगस। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है और अब भारत प्रसिद्ध हो रहा है ब्लैक फंगस से, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा और था जो इसमें नहीं सुनाया गया है आपको। उन्होंने कहा कि मुझे न्यूयॉर्क से एक आदमी ने फोन किया कि अब तो विदेशों में लोग टैक्स, अगर कोई भारतीय टैक्सी चला रहा है तो उस टैक्सी में बैठने से भी डरते हैं। तो इस पर यह कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी ने एक बार फिर देश विरोधी बयान दिया, भारत को बदनाम करने की कोशिश की। इनको जवाब दिया है मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उनकी बात भी सुनते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है, कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती। सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चूंकि बयान कांग्रेस पार्टी के नेता के, तो मैं आज नेता का है तो मैं शुरुआत राधिका खेड़ा जी से करना चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है, 22 मई को भी कमलनाथ जी ने बयान दिया था और कहा था कि दुनिया आज जो कोरोना फैल रहा है उसको इंडियन वेरियंट कह रही है। आज दुनिया में इंडियन कोरोना है। मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत कोविड हो गया। और आज तो उन्होंने कहा कि मेरा भारत महान नहीं, भारत बदनाम हो गया है। राधिका खेड़ा जी, हालात जो भी हो, जैसे भी हो, हम सब जानते हैं, लेकिन इस किस्म के बयानों को क्या आप सही ठहराएंगी? देखिए सौरभ जी, पहले तो मैं कह दूं, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी का पूरा योगदान इस देश को स्वतंत्रता दिलाने का था, आज आप इस स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग खुले आसमान में घूम सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादत दी थी, लोगों के साथ मिलके, जनता के साथ मिलके और देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो कभी भी कांग्रेस का कोई भी नेता भारत माता के खिलाफ तो कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, एक प्रेस वार्ता अगर कमलनाथ जी, जो एक दिग्गज नेता है, करते हैं और बात कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है, वो मध्य प्रदेश उस समय उनकी सरकार गिराई गई, जो आज बोल रहे हैं मुख्यमंत्री की शर्म नहीं आती, उनको शर्म आई थी क्या शिवराज मामा को? जब देश कोरोना से लड़ रहा था, पहली लहर आ रही थी, तो वो सरकार। राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, इसका जवाब बड़े शॉर्ट में दिया जा सकता है। आप एक, अगर आप सहमत हो तो आप कह सकती हैं कि कमलनाथ जी का बयान गलत है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्या आप ये कह सकते हैं? जी पूरे विश्व में मजाक उड़ रहा है, पूरे विश्व में, देखिए आप सिंगापुर में जाइए, वहां पे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही। क्या भारत सरकार को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए था? मोदी जी विश्व प्रधानमंत्री है, मैं केवल एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ राधिका जी। बात करनी चाहिए फॉरेन मिनिस्ट्रीज को कि क्यों ऐसा हिंदुस्तानियों के साथ। मैं क्यों पर तो अभी आया ही नहीं राधिका जी, मैं क्यों पर तो आया ही नहीं, और पूरे प्रोग्राम में हम क्यों ये हालात है इस पर ही बात करेंगे। मैंने शुरुआत में ये विषय इसलिए उठाया क्योंकि ये बयान, ऐसे बयान लगातार आते हैं और इससे फिर खामखा की एक बहस उठ जाती है। क्या कमलनाथ जी को ये बयान देना चाहिए था? क्या उनको ये बयान देना चाहिए था? मानती हूँ सौरभ जी, लेकिन जब इंसान दुखी होता है, जब अपने सामने हर जगह लाशें दिखती है, मध्य प्रदेश में 3 घंटे पहले ठीकरी में एक जगह है ठीकरी, वहां पे एम्बुलेंस को कोविड पेशेंट की 3 घंटे के लिए रोक दिया जाता है, दर्द होता है वहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, वहां मान लेता हूँ कमलनाथ जी बहुत व्यथित है, मैं मानता हूँ बहुत व्यथित है, उसके बावजूद क्या आप उनके बयान को सही मानती है, जस्टिफाई करती है? इतनी सी बात है, हम यही चाहते हैं कि क्यों भारत की सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही, क्यों वैक्सीनेशन नहीं हो रहे, क्यों लोगों तक दवाइयां नहीं पहुंच रही। आप खुद जानते हैं कि पहला केस
जो सामने आया था दिल्ली में, क्या दिल्ली के से कुछ केसेस आए थे गंगाराम हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के, लेकिन अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, दवाइयां नहीं। राधिका जी ठीक है, मैं अब इनके पास जा रहा हूँ, संबित पाता जी के पास। मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ, आपने अपने स्टेटमेंट की शुरुआत में कहा भारत महान था, भारत महान है, भारत महान रहेगा। कमलनाथ जी ने कहा भारत महान नहीं है, भारत बदनाम है। आपको मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या आप इतना कह सकती हैं कि इन शब्दों से उनको बचना चाहिए था? देखिए हमें पूरे, अगर उन्होंने ये शब्द कहे हैं, लेकिन सौरभ जी मैं फिर कहूंगी ये सिर्फ कटा हुआ वीडियो है, पूरा वीडियो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने की जरूरत है। अगर वो कह रहे हैं भारत हर जगह बदनाम हो रहा है, क्योंकि हमारा देश भारत महान है, उसको बदनाम करने की साजिश हो रही है, उसको बदनाम करवाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे हालात चलिए अच्छा ठीक है, लोगों को भारत से बाहर नहीं जाने। चलिए ठीक है राधिका जी, ठीक है मैं इस पर बात कर लूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि भारत तो महान है, महान था रहेगा, लेकिन वो व्यथित थे इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही है, और आज की मौजूदा सरकार भारत को बदनाम कर रही है अपने एक्शन से। संबित पात्रा, देखिए पूरा विश्व आज भारत का लोहा मान रहा है, भारत ने जिस प्रकार से कोरोना के समय सभी देशों की मदद की है, विश्व ने भी हमारी मदद की है और विश्व ने भारत की तारीफ की है। देखिए ये मुस्कुराने का विषय नहीं है कि भारत एक बदनाम देश है आज, और सबसे आपको वो दिखाना चाहिए था जब कमलनाथ जी ने कहा कि आज न्यूयॉर्क में इंडियन लोगों की टैक्सी में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, इंडियन लोग केवल टैक्सी नहीं चलाते हैं, इंडियन लोग बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, इंडियन लोग बहुत अच्छे नौकरी भी करते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीयों की टैक्सी में न्यूयॉर्क या लंदन में लोग अब बैठना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ये भारतीयों के खिलाफ एक रेसिस्ट मेंटालिटी के साथ जिस प्रकार का बयान दिया गया है, मुझे लगता है तुरंत कांग्रेस पार्टी को इस बयान को वापस लेना चाहिए। ये जो एक भड़काया जा रहा है कि विदेशी लोग हमारे कैब में ना बैठे, टैक्सी ड्राइवर को छुए ना, इंडियन के पास ना आए, उन्हें ब्लैक फंगस हो जाएगा, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। ब्लैक फंगस इस तरह नहीं फैलता है, क्योंकि ब्लैक फंगस के संदर्भ में उन्होंने ये कहा, ये कहना कि क्योंकि ब्लैक फंगस इंडिया में हो रहा है इसलिए इंडियंस के पास कोई भी गोरा व्यक्ति नहीं आना चाहता है, मुझे लगता है ये रेसिस्ट कमेंट है, प्योरली रेसिस्ट है। और खैर सोनिया जी तो नहीं समझ पाएंगी, वो तो यूरोपियन है, वो इंडियन है नहीं, तो वो समझ नहीं पाएंगी रेसिज्म इत्यादि क्या है। वो अभी भी हमें, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में सौरभ जी मैं बीच में नहीं बोला था, राधिका जी सौरभ जी मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, राधिका जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था, प्रोग्राम शुरू आपको इनसे माफी मंगवानी होगी, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राधिका जी इसमें बहुत समय जाता है, राधिका जी इसमें बहुत समय जाता है, मेरी बात एक बार सुन लीजिए, आपको जो बोलना हो, आपको जो बोलना हो, इनको जो जवाब देना हो, राधिका खेड़ा जी आप दीजिएगा, आपको मैं पर्याप्त समय दूंगा, आपको लगे नहीं कर सकते, राधिका जी अपनी बारी में बोलिएगा। मैंने आपको कहा, मैंने आपको कब रोका कि आप मत बोलिए, आप टोकिए, मैंने आपको तो नहीं रोका। आज राहुल गांधी ने कह दिया प्रधानमंत्री नौटंकी करते हैं, क्या बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी? क्या उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस देश के नहीं है? क्या वो बोल रहे हैं कि भारतीय नहीं है? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं है। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूँ, आपको अगर एतराज है तो आप टोकिए, अपने बारे में बोले, बात तो सुन लीजिए पूरी, ऐसे मुझे बताइए, ऐसे ऐसे क्या हम लोग कर पाएंगे कोई बात? आप बोलिए ना, वो कंप्लीट कर, और मैं आपको टाइम ना दूं तो मेरी गलती है, दुनिया देख रही है, आप प्लीज सुन लीजिए इनको, बोलिए। देखिए सौरभ जी, मैं भी व्यथित हूँ, क्योंकि कमलनाथ जी व्यथित होकर ये सब कह गए कि भारत बदनाम देश है और भारतीयों के पास कोई आना नहीं चाहता है, और उसको जस्टिफाई किया कांग्रेस पार्टी ने ये कह के कि वो व्यथित है। आज मैं भी व्यथित हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरे रग में भारत का रंग है। आप भारत को बदनाम देश कहेंगे, आप कहेंगे हमारे जो भारतीय भाई बहन बाहर हैं उनको कोई छूना नहीं चाहता है, वो आज अस्पृश्य हो गए हैं क्योंकि ब्लैक फंगस फैलाते हैं वो। तो मैंने बिल्कुल सही कहा, ये सोनिया गांधी इस रेसिज्म को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो इस नस्ल की नहीं है, वो यूरोपियन है, ये हकीकत है। पात्रा साहब आपको भी अच्छा देखिए, आज विषय क्या सोनिया गांधी है? पात्रा साहब के आज विषय सोनिया गांधी है? पात्रा साहब फिर आप बकवास बेहुदा बात कर रहे हैं। संबित पात्रा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप बताइए, वो एंटोनियो माइनो है, बेहुदा बदबूदार बातें कर रहे हैं, वो एंटोनियो माइनो है ही,
वो तो एंटी क्या गलत है इंडियन की गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता। कमलनाथ ने बोला, आप कमलनाथ पे बोलिए। क्यों नहीं बोलूंगा सोनिया गांधी पे, जब प्रधानमंत्री को आप नौटंकी बोल देंगे, सब कुछ बोल देंगे। आपने कोविड का नाम मोविड कर दिया और आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। और मैं सोनिया गांधी जिनका एक्चुअल नेम एंटोनियो माइनो हूं, उनका नाम अगर एंटोनियो माइनो कह देता हूं तो ये नाराज हो जाती है। क्यों, क्या अधिकार है? क्या उनका नाम एंटोनियो माइनो नहीं है? और क्या ये नस्ल भेद नहीं है? जब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तानियों को कोई छूना नहीं चाहता है विदेश में, क्या ये नस्ल भेद नहीं है? दिस इज रेसिज्म। हिंदुस्तानियों की गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता है, हिंदुस्तानियों की टैक्सी में कोई फॉरेनर ट्रैवल नहीं करना चाहता है, ये रेसिज्म है या अच्छा, नहीं बताइए। एक मिनट, अगर हम केवल कमलनाथ ने जो बोला उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़े, ये कहना क्या चाह रहे हैं आज जो राहुल गांधी, ठीक है पता था आपने इस पे बोल दिया, मैं कह रहा हूं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज दुनिया भर में भारत में इतने कोरोना के मामले आ गए इसकी चर्चा हो रही है, भारत में ब्लैक फंगस के इतने मामले आ रहे हैं इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि भारत सरकार असल मौतों को छुपा रही है, मौतें बहुत ज्यादा हुई है बताई नहीं जा रही। देखिए सौरभ भाई, पहले तो ये बताइए कि भारत में बहुत केसेस हो गए, भारत में बहुत मृत्यु, अमेरिका में उससे अधिक हुई, वो आंकड़े में दूंगा। तो इससे इस बात को कैसे जोड़ा जा सकता है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स इंडियंस हैं, जो भारतीय नस्ल के हैं, उनके टैक्सी में गोरे बैठने के लिए तैयार नहीं है? ये आप दिखा सकते हैं उनका वाइट है कि दूसरे लोग जो विदेशी लोग हैं वो हमारे टैक्सी में बैठने को तैयार नहीं है। आप बताइए ब्लैक फंगस क्या इस प्रकार स्प्रेड करता है कि किसी के टैक्सी में कोई बैठ जाएगा तो ब्लैक फंगस स्प्रेड कर जाएगा? और ये कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इतने बार के सांसद वो बोल रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के खास नेता वो बोल रहे हैं। और केवल कमलनाथ ही नहीं बोल रहे हैं, आप देखिए आज राहुल गांधी जी से जब पत्रकार वार्ता में पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि हाँ अगर मोदी जी के जो कारनामे हैं उसको देखकर तो कोविड का नाम मोविड हो जाना चाहिए। मैं आज पूछता हूं यहां पे कांग्रेस की प्रवक्ता से कि क्या कोविड का नाम मोविड होना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का स्टैंड है तो कौन भारत को बदनाम कर रहा है पूरे विश्व में? और चाइना को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? अब जवाब ले रहा हूं, आपने बार बार आरोप लगाया चाहे कमलनाथ हो चाहे राहुल गांधी हो, इनके बयानों से देश की बदनामी हुई, आप कह रहे हैं इनके बयानों से देश की बदनामी हुई। राधिका खेड़ा जी, अब इन्होंने तीन चीजें जो कही जिनको मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी, और शुरुआत उससे करते हैं जो इन्होंने सबसे आखिर में कही। इन्होंने चाइना की बात करी, कल की प्रेस रिलीज मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ जिसमें लिखा है, और ये सरकार की प्रेस रिलीज है, वही सरकार जिसका हिस्सा, जिसकी पार्टी का हिस्सा संबित पात्रा है यहाँ जो बैठे हैं, उसमें लिखा है कि ट्विटर चोज टू शो द जियो लोकेशन ऑफ सर्टन लोकेशन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख as part of the People's Republic of China at a time when India and China were engaged in peaceful resolution. आपकी सरकार ने हमारे 22 जवानों की शहादत को मिट्टी में मिला दिया। आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने जवानों के लिए खड़े होते और ये कहते कि यहां पर एक ब्लडी वॉरफेयर हुआ था। आपने कहा तो बिल्कुल हिंदुस्तान की सरकार को तो अपोज करना चाहिए, आपको परेशानी क्या है? पात्रा साहब, आप क्यों ट्विटर को बचाने के लिए आ गए? चाइना की साइड की आ गई, एक मिनट, पूल के लद्दाख को दिखा दिया चाइना का हिस्सा और हम अपोज कर रहे हैं तो आप हमें अपोज कर रहे हैं? यही तो आप क्या मानती है कि चाइना का हिस्सा है लद्दाख? अधिकार है कांग्रेस पार्टी का तो ये बीच में बोलेंगे। राधिका जी, अगर आप कोरोना को लेकर जो बातें हो रही हैं, आपने चीन पर, मैं तीनों बातों की जवाब दे रही हूं क्योंकि इन्होंने, सौरभ जी, इन्होंने चाइना की बात करी तो ये देश की जनता को बताना जरूरी था क्योंकि ये कल ही की प्रेस रिलीज है। आपने देश की सरकार चाइना को बचा रही है। कोविड को मोविड कहना इसको भी जस्टिफाई करती है। दूसरी बात, मैं सारी बातों के जवाब दे रही हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारत देश ने सबसे ज्यादा भार की विदेशों की मदद करी है। अरे पहले अपने देश की तो मदद कर लेते। जब मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, जो सबसे ज्यादा हवाई जहाज पर यात्रा करे हैं, एयर होस्टेस हमेशा ये कहती है सौरभ जी कि पहले अपना मास्क पहनिए, फिर साथ वाले पैसेंजर की मदद करिए। अरे पहले अपना घर तो संभाल लेते। आपने अपने देश को वैक्सीनेट कर लिया, आपके देश में ब्लैक फंगस दवाई है, 6 महीने से ब्लैक फंगस आया हुआ है,
और आप बात कर रहे हैं गर्व महसूस कर रहे हैं कि पूरे विश्व की हमने संभलता नहीं। तीसरी बात इन्होंने कहा शुरुआती तौर पर, इन्होंने कहा कि टैक्सी ड्राइवर नहीं है सिर्फ भारतीय, और भी काम करते हैं। क्या आप मानते हैं कि टैक्सी ड्राइवर होना एक छोटा काम है? आप हर काम सौरभ जी मानती हूँ, भारतीयों को टैक्सी ड्राइवर क्यों दिखाया? इन्होंने टैक्सी ड्राइवर को इतना छोटा कर दिया, टैक्सी ड्राइवर के रूप में क्यों प्रोजेक्ट किया? वाला आदमी चाहे वो टैक्सी कुछ तो है, गांधी परिवार जैसे चोर डकैत भी होते हैं, मगर आपने भारतीयों को केवल टैक्सी ड्राइवर के रूप में प्रोजेक्ट क्यों किया? राधिका जी, ठीक है, आपने तीन विषयों का जवाब दे दिया। अब एक और इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। बार बार कोविड को मोविड राहुल जी कहते हैं, आज उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री के एक्शन ऐसे ना होते तो मैं कोविड कहता, लेकिन उनके जो व्यवहार था, जो नीति थी, उसके लिए उसको मोविड कहना पड़ रहा है। जस्टिफाई करते हैं इसको। बिल्कुल, फरवरी 2020 में जब राहुल जी ने कहा था प्रधानमंत्री जी देश में कोविड अपने पैर पसार रहा है, तब क्या हुआ था? तब हम यहाँ पे हाउडी ट्रंप, हेलो ट्रंप, ट्रंप को बुला रहे थे ना, कितने 350 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे ट्रंप के लिए। वो ट्रंप आज तक विश्व में नहीं देखा था कि एक और देश के प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन हो रही थी हिंदुस्तान में, जब आपका देश में कोरोना पैर पसार रहा था तब भी नहीं मारे। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री साहब ने क्या कहा? कोई कोविड नहीं है। चलिए, फिर चेताया, बार बार चेताया, और आप खुद बताइए सौरभ जी, 3% लोग हमारे यहाँ पे वैक्सीनेटेड है। अच्छा, चलिए ठीक, मैं आ रहा हूँ एक एक करके उन सारे विषयों पर आऊंगा, मैंने भी नोट कर रखे हैं। आप बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा कि भारत में कोरोना की परिस्थितियों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, इसीलिए कोविड नहीं मोविड है। संबित पात्रा, देखिए बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने का ये जो षड्यंत्र है, और आप देखिए यहां तक ये षड्यंत्र है कि जहां चाइना अपने आप की रक्षा कर रहा है, जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी कुछ दिन पहले एक इंक्वायरी की स्थापना की है कि ये पता लगाया जाए कि कौन से वैक्सीन, कौन से वायरस का कौन से लैबोरेटरी से इजाद हुआ है, वो किस प्रकार से वहां से निकला है। और तो और आज एमईए ने, भारत के एमईए ने कहा है कि इसमें हर कंट्री को कोऑपरेट करना चाहिए। वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये जो एलिबाई देने की कोशिश कर रही है, एक इस प्रकार का एक नैरेटिव खड़ा कर रही है विश्व में कि इसका नाम कोविड रखा जाए। ये सौरभ भाई किसको बचाने की कोशिश है? क्या कारण है कि कहीं ना कहीं चाइना को बचाने की पुरजोर कोशिश राहुल गांधी, कमलनाथ इत्यादि भारत को बदनाम, भारत के लोगों को छोड़ने से? मैं आपसे पूछूं, आप ये बात गंभीरता से कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने कोविड को मोविड कह दिया तो इससे चीन बच जाएगा और दुनिया कोरोना को, कोविड को मोविड बोलने लगेगी? आप गंभीरता से? ऐसा नहीं होता है, मैं समझा रहा हूँ आपको, एक नैरेटिव होता है। वैसे राहुल गांधी को इंडिया में भी और बाहर भी कोई सीरियसली नहीं लेता है, वो आप सही कह रहे हैं, मगर एक नैरेटिव को ड्राइव इन करने की चेष्टा की जाती है और राहुल गांधी उस चेष्टा को कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोविड को हम मोविड का नाम दे, इंडियन वेरिएंट। आपने देखा होगा शशि थरूर से लेकर तमाम बड़े नेता जो हैं, कमलनाथ ने भी पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इंडियन वेरिएंट कहा, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि भारत महान कभी नहीं है, याद रखिए, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा है। ये बार बार वही नैरेटिव क्यों ड्राइव किया जा रहा है? मैं बताता हूँ, किसने कहा है? एक सेकंड, अरे अभी तो कमलनाथ ने बोला, आपको स्टेटमेंट सुनाई, कमलनाथ ने बोला भारत महान नहीं है, बदनाम है, अभी तो बोला, अभी तो बोला कमलनाथ जी ने, अभी तो वो तो मैंने सुनवा भी दिया आपको। देखिए मैं बताऊं आपको, ये माँ बेटे ने जो करोड़ों रुपए चाइना एक दलाली के रूप में, उसका नतीजा है कि आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को बदनाम करके चाइना को माँ बेटे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं पात्रा साहब, बिल्कुल सही एलिगेशन है, माँ बेटे ने दलाली खाई है चाइना की। 2008 होगा बहुत जोरदार, ये जो पैसे ट्रांसफर हुए थे ये क्यों हुए थे? आप देखिए ना, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने पैसा खाया इसीलिए चाइना की तरफदारी कर रहे हैं और चीन को बचा रहे हैं, ये आरोप है आपका? देखिए आप, एक मिनट सौरभ जी, एक बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ा नैरेटिव चल रहा है 2008 से, किस प्रकार से राहुल गांधी चीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आपने अभी भी देखा है, जिस मिलकर के वो सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, आप याद करिए उस समय मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाया था, बीजेपी ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बिल्कुल रणदीप सुरजेवाला ने इसे फेक बताया था, जैसे अभी टूलकिट को बता रहे हैं। बाद में जब फोटो सामने आया तो मान गया कि हाँ हमारी मीटिंग हुई थी। ठीक उसी प्रकार जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तभी उसे फर्जिकल कहा गया, और आज कोविड को मोविड बनाने की ये जो साजिश हो रही है, आपको क्या लगता है ऐसे ही हो रहा है?
पूरे विश्व में कहीं भी कमलनाथ ने तो नहीं कहा कि अच्छा चाइना को बॉयकॉट करते हैं, अच्छा चाइना के कारण ऐसा हो रहा है, मगर हिंदुस्तान के लोगों को कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, हिंदुस्तान के लोग अनटचेबल हो गए, हिंदुस्तान की गाड़ियों में कोई भी आदमी नहीं बैठना चाहता जो कमलनाथ जी के बयान को, मैं तो नहीं मानता ठीक, ये कहना कि भारत महान नहीं बदनाम है, गलत बयान है सरासर, साफ साफ ये कहना चाहिए हर किसी को, राधिका जी को भी कहना चाहिए। बहरहाल कोई इसको इंडियन कोरोना कहता है, इंडियन वेरिएंट कहता है, वो भी सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर WHO कहता है वेरिएंट फाइंड इन इंडिया, फाउंड इन इंडिया, या वेरिएंट फाउंड इन UK, वेरिएंट फाउंड इन ब्राजील, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, तो उसको आप इंडियन कोरोना कह दें ये भी गलत बात है, बिल्कुल भद्दी बात है, इसको गलत को गलत कहेंगे। लेकिन ये कहना कि ये कोई आदमी जानबूझकर भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा है, भाई आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि आपने ठीक मैनेजमेंट नहीं किया तो इससे भारत बदनाम कैसे हो रहा है? देखिए मैं आपको जवाब देता हूं, आपको क्या लगता है, बार बार कहने के बाद भी जो विषय आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, करोड़ों जनता समझ सकती है, आपने सही कहा इंडियन वेरिएंट यूज नहीं करना है, तो आप बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ठीक है आपसे गलती से दो बार हो भी गई, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उसे समर्थन किया, उसे जस्टिफाई किया कि मैंने कोविड इन कारणों से कोविड का नाम अब मोविड रख दिया है, जस्टिफाई किया ना आपके और मेरे सामने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जस्टिफाई किया है, क्यों जस्टिफाई किया अगर गलती से हो गया है? जब इंडियन वेरिएंट को लेके WHO में पूरी तरह से भारत की सरकार ने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसमें बात की और कहा कि इसका नाम इंडियन वेरिएंट नहीं हो सकता है, B1617 है, और WHO ने भी कहा कि नहीं इसका नाम इंडियन वेरिएंट नहीं हो सकता है। आप देखिए जब फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप में भारत की सरकार ने कंप्लेंट किया कि सिंगापुर का तो इंडियन वेरिएंट नाम आपने एक दिन में नीचे कर लिया, भारत के जो इंडियन वेरिएंट का नाम हर जगह आ रहा है उसको नीचे क्यों नहीं किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी जाके खड़ी हो गई कि क्यों, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक है, ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप इंडियन वेरिएंट को नीचा क्यों नहीं करेंगे, जवाब ले रहा हूं, वो ट्वीट्स को डिलीट क्यों नहीं करेंगे जिसमें इंडियन वेरिएंट लिखा हुआ है, मोविड वाले ट्वीट को डिलीट क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों ये सैडिस्टिक प्लेजर इंडिया के वेरिएंट को बोल करके, मोविड बोल करके इंडिया के लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है, इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, और डेथ के बारे में आपने पूछा, मैं बातों पे अलग विषय, वो बड़ा विषय, इसका जवाब हो जाए उसके बाद। बिना सर पैर की बातें करने वाले एक पूरा फूल के पैकेज है संबित पात्रा, जो इतनी बेहुदा और बेशर्मों वाली बातें करे, मोविड मोविड इनको चुप किया, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया है, आप चुप रहिए, जब आप पार्टी पीसी के गालियां दे रहे थे राहुल को, बिहार आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनने की हिम्मत रखो, पर्सनल रिमार्क्स नहीं राधिका जी, प्लीज पर्सनल, आप भी देखिए, आप राधिका जी, मैं जानता हूँ सबसे बड़ा कार्टून नंबर है, आप लोग एक एक करके बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप राधिका जी अगर इनके ऊपर मंदबुद्धि वाले, आई एम सॉरी अगर ये मेरे लीडर को गाली देंगे, इस देश के लीडर को गाली देंगे तो ऐसे ही राधिका जी अगर आप इनके ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी करेंगी, अगर आप इनके लिए कोई पर्सनल शब्द इस्तेमाल करेंगी, तो इन्हें राइट है जवाब देने का, मुझे भी आपको टूटना पड़ेगा, और अगर ऐसा ही आपके साथ देश का लीडर बनेगा राहुल गांधी, ये गलत बात है राधिका जी, पर्सनल रिमार्क्स नहीं, आप बोलिए, फूल को फूल ही कहा जाएगा, और फिर बोलूंगी आपकी बात, सबसे बड़ा फूल पर्सनल रिमार्क्स है, फूल भी नहीं है, पर्सनल रिमार्क नहीं राधिका जी, आप बोलिए, आप बात का जवाब दीजिए ना, बात का जवाब दीजिए प्लीज, अगर ये बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं अपनी नहीं बोलेंगे, आप पर्सनल रिमार्क मत कीजिए, नहीं बोलेंगे डॉक्टर साहब, बीच में मत बोलिएगा प्लीज, बोलिए, नहीं बोलूंगा मैं फूल को गाली नहीं दूंगा, ये शांति से बोले, बोलिए। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात ये है सौरभ जी की, राहुल जी की PC में उन्होंने लगातार ये बोला कि इस देश को वैक्सीनेशन की जरूरत है, लॉकडाउन टेम्पररी सोल्यूशन है, मास्क पहनना टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है वैक्सीन लगना, और इस देश की हकीकत यह है कि सिर्फ 3% लोगों को वैक्सीन लगा है और 97% पॉपुलेशन हमारी अभी भी बिना वैक्सीन के है, इसका मतलब 97% लोग अभी भी प्रोन टू कोविड है, वो मौत से खेल रहे हैं, क्या कर रही है सरकार उसके लिए? और ये भी सच्चाई है जो वैक्सीन की बात हो रही है, फाइजर को अभी तक परमिशन नहीं मिली है, क्यों इतना समय लग गया आपको बातें करने के लिए, क्यों जब पिछले साल से स्पुतनिक मांग रहा था परमिशन तब अभी तक उसके ऊपर अब जाके परमिशन हुई कुछ समय पहले? और तीसरा, मॉडर्ना ने तो साफ साफ कह दिया है क्योंकि इतनी लंबी वेटिंग है अगले साल जनवरी तक हम नहीं दे पाएंगे, क्यों इस देश के साथ मजाक हो रहा है, जब इस देश को वैक्सीन की जरूरत थी
तो आपने किस हब से किससे पूछ के हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है राधिका जी कि ये सारी विदेशी कंपनियों से हमारी बात चल रही है, फाइजर की बात होती है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब ये है कि वो हमसे कुछ इंडेमनिटी चाहते थे, वो कुछ वेवर्स चाहते थे जो हम उस वक्त नहीं दे सकते थे, अब हम उनसे बात कर रहे हैं। बाकी कंपनियों का आपने खुद बताया कि वो कब तक दे सकती है, फाइजर ने कहा है कि हम 5 करोड़ तक दे सकते। मेरा कहना ये, मेरा सवाल आ रहा था जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी जी को कोरोना समझ में नहीं आया, मैं इसका मतलब जानना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल समझ नहीं आया जब देश के प्रधानमंत्री जाके टेलीविजन पे ये बोल देते हैं कि हमने कोरोना को हरा दिया है। उनको किसने ये कहा था कि जब पूरे विश्व में सेकंड वेव आ रही है, वो कैसे इस गारंटी से कह रहे थे कि भारत देश में सेकंड वेव नहीं आएगी? आपने क्या अपने देश के हर इंसान को वैक्सीनेट कर दिया था और फिर अब आके रो क्यों रहे थे? एक ड्रामा ही बना दिया है। और आज प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि दिसंबर तक हम वैक्सीनेट कर देंगे, नहीं किया तो 15 लाख रुपए आ गए क्या? प्रकाश जावड़ेकर की बातें उतनी, और इस समय जब देश के स्वास्थ्य मंत्री को आके सारे आंकड़े रखने चाहिए तो प्रकाश जावड़ेकर आके क्यों बोल रहे हैं? वही आदमी जो ये कहते हैं कि पोल्यूशन से डेथ नहीं होती, पोल्यूशन इज नॉट अ कॉज ऑफ डाइंग, उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो इसीलिए सोचने की जरूरत है। और अगर नहीं हुए लोग और कैसे होंगे जब वैक्सीन ही नहीं है, 18 से 45 ईयर ओल्ड लोगों के लिए वैक्सीनेशन ही नहीं है, आप कैसे दिसंबर तक कर लेंगे? आधी कंपनी आपको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं दे रही। और सबसे जरूरी बात, अगर ये नहीं हुआ तो क्या फिर आप प्रधानमंत्री देश के सामने आके रो लेंगे और कहेंगे कि मुझसे अब देखा नहीं जा रहा? अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हालांकि इस पर मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री रोए तो क्यों रोए, लेकिन बहरहाल अगर आप की सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री खुद ये कह सकते हैं कि देश ने कोरोना पर विजय पा ली है और उसके बाद दूसरी लहर में इतनी ज्यादा मौतें हो जाती हैं, इतने ज्यादा मामले आते हैं, तो राहुल गांधी ये कहें कि आपको कोरोना बीमारी समझ में नहीं आई, तो इसमें क्या गलत है? संबित पात्रा, चलिए ठीक है, राहुल गांधी का अधिकार भी है, ऑपोजिशन लीडर कह सकते हैं आपको कोरोना बीमारी समझ नहीं आई, उनको तो समझ में आ गई थी, वो तो पिछले साल से ही आ गई थी, कम से कम अपने जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको ही समझा देते कि अरे उद्धव ठाकरे जी, हम भी आपके सरकार में शामिल हैं, तो आप समझ लीजिए कोरोना को, मैं कोरोना को समझ चुका हूं, आप जरा ऑक्सीजन प्लांट वगैरह बना लीजिए क्योंकि सेकंड वेव आ रही है, मैं देख पा रहा हूं सेकंड वेव को, आप जरा तैयारी कर लीजिए बेड इत्यादि, क्योंकि वो तो हेल्थ तो जो है राज्य का सब्जेक्ट है। अरे अरे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, सबसे ज्यादा मोर्टैलिटी रेट मैं तो देख रहा हूं भविष्य में आप ही के राज्य में होने वाली है, मैं कोरोना को समझ चुका हूं, आप भी समझ लीजिए, जरा तैयारी कर लीजिए, और ये जो फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है उसे रोक लीजिए क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, आप इसको मत करिए। राजस्थान में फोन कर लेते और कहते कि गहलोत जी, अब मैं तो भविष्य में देख रहा हूं कि एक ही एम्बुलेंस में 40-40 डेड बॉडी ठूस ठूस के लिया जाएगा, राजस्थान में सेकंड वेव आ रहा है, कम से कम शव वाहक तो आप खरीद लीजिए। ये सब अपने लोगों को तो फोन करके बता सकते थे, चलिए मोदी जी उनकी बात नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे, कम से कम एक वेबिनार करके अपने लोगों को समझा देते। दूसरी बात, सब कुछ सर्वज्ञाता है राहुल गांधी, उनको पूरा पता था कि कब सेकंड थर्ड, आज तो वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारा वेव बता दिया है, जाके पुशअप कर रहे थे आपको पता है केरला में, बिना मास्क के पुशअप कर रहे थे, फिर कैसे समुंदर में कूद कूद के नहा रहे थे, वो सब क्यों कर रहे थे नौटंकी? अगर सब कुछ इनको पहले से पता था तो वहां जाके ये सब करने की क्या आवश्यकता है? देखिए कहना और ट्विटर खेलना बहुत आसान होता है, जमीन पे काम करना बहुत मुश्किल। वैक्सीन को लेकर ये देखिए, मैं तो अब पूरा बयान सुना नहीं सकता हूं, आप लोगों ने दिखाया था मनीष तिवारी जी का ये बयान, जब कोवैक्सीन आया था प्रधानमंत्री, पहले आप और आपके सारे के सारे मंत्री जरा लगा लो कोवैक्सीन, ये तो एफिकेसी ही नहीं है इसकी, आप क्यों भारतीयों को कोवैक्सीन लगाना चाहते हैं? 4 मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम तो कोवैक्सीन अपने राज्यों में लेंगे ही नहीं, बाद में जब सेकेंड वेव ज्यादा आपने चरम पे आ गया, कहो लाओ वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ, उससे पहले तो ये उसे मोदी वैक्सीन, बीजेपी का वैक्सीन, न जाने क्या क्या बता रहे थे। राहुल गांधी ने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया, प्रियंका वाड्रा जी ने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये जिम्मेदारी है क्या? अब उनको खुद को अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए, मैं तो मानता हूं कि वो 45 से ऊपर है दोनों, क्यों नहीं किया अपने आप को वैक्सीनेट, जबकि वो डोजेस तो उनके वाले डोजेस तो नहीं किया आपको, नहीं किया है? अरे आप पूछ लीजिए किया है कि नहीं, यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है वो बता देंगे किया है कि नहीं किया है, मैं बता रहा हूं नहीं किया है दोनों ने, दोनों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं यहां दोनों खुद अपना वैक्सीनेशन कराते नहीं है और यहां पर बैठ के पूरी दुनिया को सलाह देते रहते हैं कि मुझे तो पता था कि सेकंड वेव आने वाला है, मुझे पता है सिक्स्थ वेव भी आने वाला, पता है इनको सब कुछ होता है, करते ही कुछ नहीं है। जवाब एक मिनट में, इसका जवाब ठीक है, ये बात बार बार उठती है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आई डोंट नो कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे इतना पता है कि जब प्रधानमंत्री जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे और खासकर कांग्रेस के नेता ये मांग करते थे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीन लेनी चाहिए क्योंकि इससे वैक्सीन हेजिटेंसी खत्म होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग और बढ़ चढ़ कर आएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को ये अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो
वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस देश के हेड है, इस घर, इस फैमिली, जो भारत की फैमिली है, मैं कहूंगी पूरी देश की जनता मोदी जी का परिवार है और वो इस परिवार के मुखिया है, तो मुखिया को तो सबसे पहले वैक्सीन लगेगा ही। और जब तक देश की जनता को वैक्सीन नहीं मिल रहा तो कैसे हम जाके वैक्सीन लगा रहे। और दूसरी बात, अभी तो राहुल जी कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो अभी तो वो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। पर्सनली जाना नहीं चाह रहा, लेकिन बात ये कोरोना उनको अभी हुआ है, ये बातें करते अच्छी मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी कोरोना अभी हुआ है, वैक्सीनेशन बहुत पहले शुरू हो गया था। तो प्रियंका जी है, राहुल जी है, सोनिया जी है, उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। मुझे लगता है अगर वो लोग अगर नहीं लिए तो लेनी चाहिए, उससे एक अच्छा मैसेज जाता है। जब देश की जनता, जब 30% से ज्यादा देश की जनता को वैक्सीनेशन लग जाएगा, जब देश की जनता जिनके वो सेवक है उन्हें 50% आई एम श्योर मैं भी नहीं लगवा रही वैक्सीन जब तक देश की जनता को मिले। वैसे तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ सौरभ जी, क्योंकि कोशिश भी कर ले तब भी नहीं दिल्ली मिलना। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत धैर्य से समृद्ध भाई साहब की बातें सुनी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, समृद्ध जी भारत देश में कितने स्टेट्स हैं क्या आप जानते हैं? एक सवाल है, प्लीज बताइएगा कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ हाँ 30 स्टेट हैं, मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। समय कम है, पहली बात तो ये आपने कहा, आपने कहा टू डेवलप योर नॉलेज, आगे की बात बताती हूँ राधिका जी। मैं एक्चुअली मैंने जी मैं बात पे आ रही हूँ, मुद्दे पे, ये बहुत जरूरी था जानना कि इनको पता भी है कि कितने राज्य हैं, बात पता नहीं है। अगली बार समय भाई साहब पढ़ के आया करिए, जब आप कहते हैं ना सौरभ जी मैं जवाब दूंगा, बोलिए राधिका जी बात पे आई ना, सुन लीजिए मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। जब आप बात कर रहे हैं कि क्यों राहुल गांधी जी कौन से प्रदेश में जाके अपने मुखिया से, प्रदेश के मुखिया से बात क्यों नहीं करते, कितनी सरकारें हैं, आप तो खैर ये जानते ही नहीं कि देश में कितने प्रदेश है, तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि एनडीए की कितनी सरकारें हैं, कितने स्टेट्स में। मैं बता देती हूँ आपकी 18 राज्यों में सरकारें हैं, भारत में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। एक सेकंड राधिका जी, ये किस प्रकार का जस्टिफिकेशन है, ये किस प्रकार का जस्टिफिकेशन है, मुझे एक बात बताइए, ये किस प्रकार का जस्टिफिकेशन है? कोरोना को कोरोना से लड़ने की जितनी जिम्मेदारी केंद्र की है उतनी जिम्मेदारी राज्य की है। अब आपने बात की, एक सेकंड मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूँ, एक मिनट मान के चलिए आप, एक मिनट, पहले तो राधिका जी बात एक मिनट शांति से कुछ आंकड़े सुन लीजिए। मेरे ख्याल से ये बहस बिल्कुल नाहक है कि कौन सी बीजेपी रूल स्टेट में क्या हुआ, कौन सी कांग्रेस रूल स्टेट में क्या हुआ। हर सरकार का प्रशासन अलग है, मुखिया अलग है, काम करने का तरीका अलग है, चाहे उसमें 18 बीजेपी की हूं या 6 कांग्रेस की हूं, व्हाटएवर। मैं आपको सिर्फ जो ऑफिशियल डेथ्स का आंकड़ा है वो दे रहा हूं, भारत के मुताबिक, भारत सरकार के मुताबिक ऑफिशियली भारत में 3,19,000 के करीब मौतें हुई हैं अभी तक कुल कोरोना काल में, जिसमें से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 92,000 से ज्यादा मौतें, 3,19,000 में से 92,000 से ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है। मैं आपको केवल उन राज्यों के नाम बताऊंगा जहां 20,000 से ज्यादा डेथ्स हैं, कर्नाटका 27,000 से ज्यादा, तमिलनाडु 22,000 से ज्यादा, यूपी लगभग 20,000, आंध्र प्रदेश लगभग 10,000, दिल्ली लगभग 23,000, वेस्ट बंगाल लगभग 15,000, छत्तीसगढ़ लगभग 13,000। अब इसमें से आप चुन लीजिए कौन सी बीजेपी की है, कौन सी कांग्रेस की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इसमें क्यों अटके पड़े। डॉक्टर पात्रा बोलिए, देखिए ये गिनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के राज्य भी है ना, मैंने इसलिए पढ़े, इसमें बीजेपी के राज्य भी है, कांग्रेस के राज्य भी है, अभी इसका जवाब ले रहा हूं। और ये बात अच्छा हुआ आपने गिनवाई, कांग्रेस राज्यों में क्यों ऐसा हो रहा है, इसका भी मैं जवाब दूं। अभी दीजिएगा, पहले बोलिए, दीजिएगा, आप दीजिएगा, कहीं पे भी होना आप दीजिएगा, आप दीजिए, बात कंप्लीट हो जाए, बोलिए पात्रा जी। देखिए सौरभ जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, राहुल गांधी 2 दिन से न्यूयॉर्क टाइम्स के उस रिपोर्ट को लेकर जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ट्वीट भी किया उन्होंने कि मौत के आंकड़ों को लेकर जिस प्रकार से वो उसे इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं,
अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या महाराष्ट्र अपने मौत के आंकड़ों को सही नहीं दिखा रही? महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लगभग, जहां तक मैं जानता हूं, 93,000 से अधिक डेथ हुई, ये क्या उससे अधिक डेथ हुई है वाकई महाराष्ट्र में? और महाराष्ट्र की सरकार ने ये डिक्लेयर नहीं किया है? सर्वाधिक डेथ महाराष्ट्र में हुई है, और अगर इन नंबरों में घपला है तो सबसे बड़ा घपला तो महाराष्ट्र में ही होगा, तो पूछना पड़ेगा महाराष्ट्र की सरकार से। आप बताइए, क्या राजस्थान की सरकार अपने मौत की आंकड़ों में घपला कर रही है, वो सही आंकड़े नहीं दे रही? आप बताइए, क्या ये आपके जो छत्तीसगढ़ का राज्य है, आपका जो झारखंड का राज्य है, वहां के मौत के आंकड़े सही नहीं आ रहे? देखिए, इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारत को, और बिल्कुल सही कहकर भारत के प्रवक्ता ने जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आंकड़े जो न्यूयॉर्क ने दिए हैं सही है कि गलत है, उन्होंने कहा, देखिए, 5 लोग न्यूयॉर्क में बैठ के 10 लोगों को इंडिया में फोन करके एक आंकड़े जारी कर देने से वो ऑथेंटिक आंकड़े नहीं होते, इससे केवल और केवल भारत की छवि को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करने वाला एक साजिश ही दिखता है। और मैं पूछना चाहता हूं, 28 राज्य और ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें कितनी बीजेपी की है और कितनी कांग्रेस की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और बीजेपी इस राजनीति से ऊपर उठकर, राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं हमें मिलकर काम करना है, मिलकर काम करना है, मिलकर काम किया क्या उन्होंने? यह हर दिन राजनीति की, जिस दिन से ये बीमारी शुरू हुई है उस दिन से उन्होंने राजनीति की, उस दिन से उन्होंने राजनीति की। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाता हूं उनके पास। राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम तो लगातार चिता रहे थे और विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है, उन्होंने ये बात भी आज कही है, क्या आप इस बात को प्रमाणों के साथ कह सकते हैं कि भारत सरकार ने राज्यों को साथ लेकर के भारत की कोरोना स्ट्रेटेजी डेवलप की और उसमें सारे राज्यों ने साथ दिया केंद्र का और केंद्र ने राज्यों का? देखिए सौरभ भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहली बार भी जब फर्स्ट वेव आया था और दूसरी बार में भी एक टीम बनी हुई है और एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनी हुई है सेंटर में। ये सारे एक्सपर्ट की कमिटी एडवाइस करते हैं, उनके आधार पर जब ऑल सीएम मीट होती है, आपने देखा है 7 ऑल सीएम मीट अभी तक हो चुका है, किस प्रकार से सारे सीएम को कॉन्फिडेंस में लेकर। पिछली बार एक कंटेंशन था कि लॉकडाउन जो है वो केंद्र से क्यों किया गया, लॉकडाउन मोदी जी ने क्यों किया, लॉकडाउन राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि राहुल ने ही कहा था कि डीएम जो है वो ज्यादा जानते हैं कि लॉकडाउन उनके एरिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब इस बार छोड़ दिया गया कि लॉकडाउन आप करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन हम क्यों करेंगे, लॉकडाउन आप करिए। पहले उसी लॉकडाउन को उन्होंने तुगलकी कहा था, आप याद करिए ट्वीट में तुगलकी लॉकडाउन कहा था, इस बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा है। ये जो विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट राहुल गांधी दे रहे हैं, ये साथ देना नहीं होता है, ये राजनीति खेलना होता है। समय कम है, मैं आपके दो बातें हुई उनका जवाब दे दीजिए। मौतों पर उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस रूल स्टेट्स भी मौतें छुपा रही है राधिका खेड़ा जी, और दूसरी बात ये कहना कि केंद्र ने साथ नहीं दिया राज्यों का, इन्होंने कुछ अपना तर्क दिया, उससे सहमत नहीं आप? सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, जो मुझ पर स्लिप ऑफ टंग हुआ और मेरे दिमाग से निकल गया कि अब तो इन्होंने जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो एक स्टेट हमारा कम हो गया। मैं मानती हूं कि जम्मू कश्मीर को अभी भी स्टेट होना चाहिए, तक है सरकार है, इनकी प्रचंड बहुमत है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो पहले मैं क्लियर कर दूं। लेकिन संबित पात्रा साहब को ये भी नहीं पता, इस आदमी को ये नहीं पता कितनी है। अरे फिर या देखिए, मैं बीच में नहीं बोली, पढ़ लिया और अभी आके बोल रही है कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि उनका एस्टिमेट है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में शायद 42 लाख मौतें हुई हैं, जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। कंजर्वेटिव सिनेरियो कम से कम 6 लाख हुई हैं और मोर लाइकली ऐसा लगता है कि भारत में 16 लाख मौतें हुई हैं, ऑफिशियल फिगर तो 3 लाख कुछ है। बोलिए राधिका जी। बिल्कुल, लाशें, शव, मैं शव कहूंगी, शव कहाँ तैरते हुए मिले थे? गंगा मैया में, बिहार में नदियों में मिले थे, उत्तर प्रदेश की नदियों में मिले थे, और उनके ऊपर से उनकी चादर तक हटा दी गई थी जो शवों को बरी किया गया था। ये तो हालात है, जब ऊपर से फोटो खींचे ताकि वो शवों की फोटो नहा आए तो उनके ऊपर से चादर हटा दी गई। हमने देखा सवाल इसका है कि क्या ये केवल यूपी में हो रहा है, एक न्यूज बस्टिंग दैनिक जागरण ने किया है। अगर ये सही भी है, क्या केवल और या एक सेकंड केवल यूपी वाले अपनी मौतें छुपा रहे हैं? मैंने बहुत तसल्ली से सुना था, मैंने बहुत तसल्ली से सवाल ये था कि क्या केवल बीजेपी वाले मौतें छुपा रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं छुपा रहे? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, जहाँ पे ये छुपाने की बात क्यों सामने आती है। फिर मैं दोहराऊंगी, जब नदियों में लाशें तैरती हुई दिखाई देती है, लोगों के शव तैरते हुए दिखाई देते हैं सौरभ जी, तो सवाल उठेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। जब पार्क्स को क्रेमेटोरियम में बदला जाएगा, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, वेट लिस्ट होगी क्रेमेटोरियम में,
क्यों ऐसे आंकड़े के ऊपर शक नहीं होगा? आप दिल्ली में छोड़िए, कहीं पे भी प्रदेशों में, और हर प्रदेश चाहे कोई भी हो, अगर ये आंकड़े छुपा रहा है तो बेहद निंदनीय है। लोगों को पारदर्शिता दिखाने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है राधिका जी, मेरे पास समय नहीं है। की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ये सामने आया, बिहार से ये सामने आया। अगर ऐसी फोटो नदियों में लाशें तैरती हुई कहीं से सामने आई है कांग्रेस राज्य देश प्रदेशों से, तो आप मुझे बताइए। पर उत्तर प्रदेश गंगा मैया, मैं गंगा मैया चाहता हूँ राधिका जी, समय खत्म हो गया, आपको बीच में रोक रहा हूँ। मोदी जी को गंगा मैया ने बुलाया था, आपको याद है ना, ये किया उन्होंने अपनी माँ के साथ। राहुल गांधी ने आज जो एक बात कही कि विपक्ष केंद्र सरकार का दुश्मन नहीं है, ये एक ऐसी स्पिरिट में काम होना चाहिए जहां पर तूतू मैमे की गुंजाइश कम हो और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, तो शायद अगली लहर आए ही ना इस देश में। हम सब ये दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन राधिका खेड़ा जी, आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पात्रा भी शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।